हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एडकॉम जूनियर स्टूडियो हेडफोन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कैसा यह हेडफोन है, सब कुछ। तो चलिए मैं देख लेते हैं, पर उससे पहले इसका प्राइस देख लेते हैं। तो प्राइस यहाँ पर पीछे प्रिंट का हुआ है 999, पर एक्चुअली इसका प्राइस बहुत ही कम है, 600 के आसपास लिया था। और अभी अमेजन में अभी ऑफर चल रहा है और भी ये प्राइस अभी कम है, तो अभी जरूर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, बिल्ट इन माइक मिलता है, उसके बाद टेंजल फ्री वायर, ये सब बहुत सारा फीचर्स मिलता है। तो चलिए डायरेक्टली अभी हेडफोन को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो बॉक्स में पैकेजिंग कुछ आप सिंपल ऐसा ही पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाता है, और इस प्राइस पॉइंट में आपको और इससे अच्छा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा देख सकते हैं, कुछ आपको ऐसा हेडफोन मिल जाता है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पीछे का सामने का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मुझे ये कलर लगा है, ग्रे और ग्रीन का जो फिनिश है, मुझे हाई बॉर्डर, ये बहुत ही प्रीमियम लुकिंग एक हेडफोन आपको फीलिंग देगा। तो यहाँ पर नीचे आपको मिलता है 3.5 mm का जैक, जो आप यूज़ कर सकते हो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल सब में, और ये सब में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो वायर का जो केबल का जो लेंथ है वो है 1.2 meter, मतलब आप सोच सकते हो कितना साइज़ का है। तो यहाँ पर ऐसा करके आपको वायर देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर एक माइक भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर कोई बातचीत करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर माइक को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हेडफोन के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक PVC का बॉडी देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक नहीं, जो प्लास्टिक का हायर वर्जन जो PVC होता है उसका एक बॉडी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐसा करके सब कुछ रोटेट कर सकते हो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, और जो हेडफोन का जो लेंथ है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो ऐसे करके। यहाँ पर सब एडजस्टेबल, आप बहुत ही इजीली आप एडजस्ट इन सब को कर सकते हो। साइड में पीछे सब यहाँ पर एडकॉम का ब्रांडिंग यह सब दिया हुआ है, और यहाँ पर मुझे सच में बता रहा हूँ कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जब आप पहनेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे पहनकर उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है। क्योंकि यहाँ पर जो आप बड्स देख रहे हैं उसके बाद जो एडजस्टेबल लेंथ है वो भी बहुत ही आपको ईजिली एडजस्ट में हेल्प हो जाएगा। जो बड्स है बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा और भी आपको रिलैक्स फील होता है। तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम थोड़ा मुझे जो फेस हुआ है थोड़ा साइज छोटा है, पर उतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में आपको सच में बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा हेडफोन है, आप जरूर चेकआउट कीजिए। मैं ब्रांड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसका जो अगर स्पीकर की बात किया जाए तो स्पीकर भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो बेस का थोड़ा मुझे इशू आया, क्योंकि बेस में थोड़ा कम लगा है, पर एक्चुअली इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस एकदम ही परफेक्ट है, और इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसको मैं लास्ट 2 दिन से यूज़ कर रहा था, और मुझे तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा है और कंफर्टेबल भी लगा है। पर थोड़ा मुझे इशू लगा है वो है मेरा एक्चुअली ये जो बड्स है थोड़ा साइज़ में छोटा हो जाता है, जिसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर एक्चुअली देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक हेडफोन है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए इस हेडफोन को। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, बाइंग लिंक वहाँ से अगर आप बाय कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा हेडफोन आपको। सच में बता रहा हूँ, इसका एक लास्ट पॉइंट में बताना चाहता हूँ, मुझे तो इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा है। तो थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ।